पेश है मुमरा का आलीशान ढाबा, जहां का स्वाद आपको छू जाए और आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहां पर क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। स्पेशल डिश में पाए चिकन अचारी ड्राई, चिकन हाउसिंग ड्राई, सलोनी ड्राई, हफ्सा राइस और भी लजीज पकवान, बेवरेज आइसक्रीम और फालूदा, फ्री होम डिलीवरी। इसके अलावा दस्तरखान, फैमिली रूम, वलीमा और बर्थडे सेलिब्रेशन स्पेस अवेलेबल। तो आज ही आए आलीशान फैमिली ढाबा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के किस्मत कॉलोनी के डोंगरे नगर में करंट लगने से एक लड़के की मौत हो गई है। लड़के का नाम सुहेल फिरोज खान 11 साल है, जो अमीनाबाद चांद नगर का रहने वाला है। स्थानीय लोग लड़के की मौत की वजह से टोरेंट पावर पर आरोप लगा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक किस्मत कॉलोनी के कादरी मस्जिद में ये लड़का नमाज पढ़ने के लिए शाम के वक्त आया था और इसी बीच मस्जिद के गेट में करंट उतरा था और इस करंट के चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि जब नमाज खत्म हुई तो लोगों ने देखा कि सुहेल ज़मीन पर पड़ा हुआ था। तत्काल इसे प्राइम हॉस्पिटल लेकर जाया गया, मगर इसकी मौत हो चुकी थी। स्थानीय लोग इस बारिश के मौसम में हुए इस तरह की घटना, जिसमें 11 साल के लड़के की जान चली गई है, टोरेंट पावर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि रास्तों पर केबल खुले पड़े हुए हैं, अंडरग्राउंड जो है ये केबल नहीं किया जा रहा है। बारिश के मौसम में ये खतरनाक साबित हो सकता है। करंट लगने से 11 साल के सुहेल की मौत हो गई है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। सुहेल की मौत की वजह से सुहेल के परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। करंट लगने की जानकारी मिलते ही मौके पर मुमरा पुलिस भी पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय लोगों में इस घटना के बाद काफ़ी गुस्सा भी देखा जा रहा है। क्या कुछ लोगों ने कहा है आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मगरिब की नमाज के टाइम पे कादरी मस्जिद और जासमिन प्लाजा बिल्डिंग, ये दोनों के बीच की जो गली है, वहाँ शाम में बच्चा नमाज बाजोली गली है, जो चौल है शफी का चौल, वहाँ से नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ आ रहा था, तो यहाँ पे करंट लगने की वजह से उसका इंतकाल हो गया है। करंट लगा उस वक्त तो नमाज़ खड़ी हो चुकी थी, वो बच्चा गिरा पड़ा था। जब नमाजी बाहर निकले तो हमारे जो साथी है शफीक सैयद, उसने जो है उसको उठा के हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल लेके आने तक जो है वो बच्चा जो है मर चुका था। ये बाजू में जो मस्जिद के बाजू की जो गली जाती है ना, तो चांदनगर से किस्मत कॉलोनी को जोड़ती है, तो वहीं से जो है बच्चे लोग नमाज़ पढ़ने के लिए, अरबी जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, बहुत से लोग बाज़ार जाने के लिए शॉर्टकट है। तो ये शफी का चाल का लड़का था। मैं तो इस हादसे का जिम्मेदार 100% टोरेंट को मानता हूँ, क्योंकि जैसा कि इसके पहले भी अभी इंटरव्यू में नेहा ने कहा है कि हम लोग, चाहे जफर भाई हो, नेहा हो, मैं हूँ, हाशिम, हम लोग टोरेंट को कई बार जाके शिकायत कर चुके हैं कि इस एरिया में जितने भी वो केबल है जो ज़मीन के बाहर है, कितने कीट लगी है जो भी ज़मीन के बाहर है, तो आप एटलीस्ट कम से कम मेंटेनेंस के नाम पे जो दो दो घंटा तीन तीन घंटा बंद रखते हो, तो वो केबल को अंडरग्राउंड कर दीजिए, वरना किसी दिन बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। ये लोग आज करते हैं, कल करते हैं, हमारी टीम आएंगी, सर्वे करेंगी, चेक करेंगी, देखेंगी, ये करते करते में जो है आज इतना बड़ा हादसा हो गया। अब ये बच्चा जो मर गया है, इसका जिम्मेदार 100% जो है टोरेंट है। उसी को केबल बाहर, एक्चुअली वो एसटी का आप वहाँ से देखेंगे ना हुसैन भाई, तो मैं इसके पहले कम से कम नहीं तो भी 5 से 6 बार कंप्लेंट कर चुका हूँ कि चार नगर से जो लाइन आई है वो सारी लाइनें जो है ना ऊपर ज़मीन के ऊपर से गई है। वो आज नहीं तो कल के साथ उसमें रोड पे रखी है, उसके अंदर क्रैक आ जाता है, तो वो कट जाती है, तो इलेक्ट्रिक तार है वो ज़मीन से जुड़ेंगी, ज़मीन पे करंट देंगी, बिल्डिंग से जुड़ेंगी, बिल्डिंग पे करंट देंगी, और बाजू में वहाँ पर ग्रिल भी है।